हे एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्वागत है एक और वीडियो में। चलते हैं एक और बढ़िया से एनालिसिस की तरफ, टेक्नो फंडा एनालिसिस, स्टॉक पैटर्न्स क्या बना रहा है एटसेट्रा। बिफोर मूविंग दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, मोटिवेट करें मुझे और मेरी टीम को, और वीडियो डालें, कमेंट्स में टॉपिक डालें कि ये स्टॉक, ये टॉपिक देखा जा सकता है, ताकि लोगों को और एडुकेट किया जाए विद सिंपल एंड ईजी एनालिसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं आज के स्टॉक पे। दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यहाँ पर ये केमिकल स्टॉक के ऊपर, और ये केमिकल स्टॉक अभी तक 10% के आसपास रिटर्न दे चुका है दो दिन में सिर्फ अभी तक वीडियो पर। आज के एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं एक पंप स्टॉक के ऊपर, पंप बनाती है कंपनी, देखते हैं क्या एनालिसिस है। देखो किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये है एक पंप बनाने की कंपनी जो ऑयल पंप, वाटर पंप्स वगैरह बनाते हैं। अब यहां पर कंपनी के बारे में एनालिसिस देखे जाए, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, चार्ट कंप्रेस करा, तो मुझे ओवरऑल ट्रेंड पता लग गया कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है रिकवरी का। तो सबसे पहला इनटेक आज के स्टॉक का कि स्टॉक बना रहा है बढ़िया सा राउंड बॉटम, और जो कि 400 रुपए तक जा सकता है, 225 का इस टाइम भाव है, 400 तक जा सकता है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड काफी हाईली फेवरेबल है, नंबर वन। अब आते हैं नंबर टू पॉइंट पर, की पॉइंट क्या क्या लिए जाएंगे आज वीडियो पर, उस पर आते हैं। उसके बाद स्टॉक इज मेकिंग अ हायर हाई एंड हायर लो, ये देखो हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बना रहा है स्टॉक, विच मींस आगे भी फर्दर अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, एक वेज पैटर्न से अब बाहर निकलने के ट्राई कर रहा है, या फिर यहां पर भी आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो। नंबर टू, सबसे मेजर बात जो अभी तक लगी कि अब जाकर स्टॉक इतने बुल मोमेंटम के बाद जाकर ढाई साल के प्राइसेस, यानी नवंबर से ढाई साल के प्राइसेस के बाद बाहर निकला है। तो यहां पर अगर टेक्निकल व्यू देखा जाए तो एक था राउंड बॉटम, और दूसरा व्यू था यहां पर एक हायर हाई और हायर लो पैटर्न, जिगजैग पैटर्न। अब आते हैं इसके कुछ स्मॉल फंडामेंटल एनालिसिस पर। देखो स्मॉल फंडामेंटल एनालिसिस में यहां पर क्या क्या आने वाला है, सबसे पहले प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी थोड़ी सी लो है, 1.90 प्राइसेस के मार्केट में है, जहां पर बुल रन है, बुल मोमेंटम है। प्लस इससे पहले जैसे मैंने यहां पर ट्विटर पे, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे शक्ति पंप्स भी डाला था, काफी 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 अच्छा रिटर्न्स मिला। अब यही इसीलिए मैंने सेक्टर पिक करा पंप्स के ऊपर। अब नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है पीई रेशियो का। सेक्टर का पीई ही है 21, स्टॉक का पीई है 17, मतलब कि स्टॉक के पीई में अभी भी एटलीस्ट 4% के आसपास, 4 टाइम्स के आसपास वैल्यूएशन बचा हुआ है, यानी अभी भी स्टॉक थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स अभी भी यहां पर अंडर वैल्यूड है। अब चलते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स के ऊपर सबसे अच्छी बात मुझे अभी तक ये लगी, स्टॉक डिविडेंड पेइंग है, स्टॉक डिविडेंड भी पे कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे, यहां पर है बैलेंस शीट। देखो यहां पर इक्विटी काफी छोटी है, काफी छोटी इक्विटी कैपिटल का स्टॉक है। नेक्स्ट रिजर्व्स की बात करी जाए, 7, 8, 8.7, 9, 9.6, कॉन्स्टेंटली कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू डेट। लास्ट वीडियो जो हमने पिक किया था, जिन्होंने वॉच नहीं किया है ये वाला वीडियो, वो दोबारा से चेक कर सकते हैं। उस स्टॉक में थोड़ा हाई डेट है, यहां पर कंपैरिजन करा जाए तो यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात की जाए, जहां पर आपको इंटरेस्ट पे ही करना है, वहां पर ये इंटरेस्ट, यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफी कम है इस स्टॉक में, किर्लोस्कर ब्रदर्स में। नेक्स्ट पर आते हैं एसेट्स की बात की जाए, कंपनी एसेट्स भी ऐड कर रही है, 293, 303 एंड 352, यानी कि सेल्स के बढ़ने के चांसेस आगे भी फर्दर है। प्लस और आते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है इस स्टॉक में उसके कंपैरिजन में, विच मींस कि यहां पर कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी कंपनी सेटल करने का ट्राई कर रही है स्लोली स्लोली फर्दर प्रोसेस में। अब आते हैं कंपनी की मेन बात पे, प्रॉफिट कितना कमा पा रही है, सेल्स कितना कमा पा रही है, दैट इज द मेन रेवेन्यू। ये था कंपनी का लास्ट ईयर तक का। अब इसमें क्या है, लास्ट ईयर तक का है बट यहाँ कोरोना का इफेक्ट नहीं है, तो मैं बेटर लेना चाहूंगा इस साल का क्वार्टर वाइज, ताकि मुझे कोरोना का इफेक्ट भी दिखाई दे। ये देखो ये है मार्च, जून, सितंबर, बैक टू दिसंबर। अगर कोरोना के बाद की रिकवरी की बात की जाए तो जून
यानी कि जहां पर लॉकडाउन भी था तब भी कंपनी ने कुछ 262 करोड़ की सेल करी, फिर 430 और 464, यानी कि पंप्स की डिमांड तो दिख रही है, इसमें भी थी, शक्ति पंप्स में भी थी, बट यहां पर रिकवरी भी है, सेल्स भी बढ़ रही है। ये तो था कंपनी का सेल्स, क्वेश्चन है सेल्स के बाद बचता कितना है कंपनी के पास। तो अगर यहां देखा जाए तो कंपनी का लॉस, फिर प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट, यानी कि कंपनी के पास अभी भी प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट थोड़ा सा लो है, 5% के आसपास एंड में जाके बचता है, सब कुछ पे वगैरह करने के बाद लो मार्जिन रह गया यहाँ पर कंपनी का। नेगेटिव ईपीएस से प्रॉफिट ईबीपीएस भी आया, यानी कि आगे भी फर्दर एक्सपेक्टेड है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है इन कंपैरिजन टू बाकी स्टॉक्स, बाकी पीयर्स के कंपैरिजन की बात की जाए। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट जो था यहाँ पर वो रह गया हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए 66% है, दैट टू विदाउट प्लेज, दैट्स अ वेरी गुड होल्डिंग, यानी कंपनी के पास अच्छी खासी होल्डिंग भी है। वापस रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, एक टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक इज मेकिंग अ हायर हाई, स्टॉक यहां पर एक हायर हाई बना रहा है बिफोर द कोरोना रिकवरी एज वेल, और प्लस यहां पर भी आप इच्छा हो तो एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर ओवरऑल बड़ा व्यू देखा जाए तो यहां पर स्टॉक बना रहा है एक राउंड बॉटम, यानी कि अगर मैं अभी भी आज भी एंट्री लेता हूं 225 रुपीस के आसपास, तो यानी कि तब भी मेरे पास मोमेंटम के लिए कुछ है। माय इनटेक एट 225 रुपीस वुड बी टू हैव समथिंग अराउंड 290 रुपीस, फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 290 रुपीस के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा कुछ यहां पर 400 रुपए के आसपास। अगर किसी को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो वो इस लाइन को कंटिन्यू करके इस लाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रख सकता है। दीज आर द शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूंगा आप लोगों को एडुकेट करने को, नॉलेज इंपार्ट करने को। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ।